नमस्कार, मैं हूँ श्रुति सिन्हा। आप सभी का स्वागत है एएनबी न्यूज के बुलेटिन में। सुप्रीम कोर्ट में नियोजन नीति के मामले पर झारखंड हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर का बयान, झारखंड सरकार के एक वर्ष पूरा होने पर बहुत सारे तोहफे राज्य की जनता को देने जा रही है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का दावा, किसानों को मिलेगी 50,000 की ऋण माफी की सुविधा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की देखरेख कर रहे डॉक्टर उमेश प्रसाद ने लालू के स्वास्थ्य को चिंताजनक बताया है। झारखंड के दुमका जिला के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में स्थित डुमरथर में कोरोना काल में भी बच्चे दीवारों में ब्लैक बोर्ड बनाकर महीनों से पढ़ाई कर रहे हैं। कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI का बयान, मोदी जी किसानों को फसल की पूरी लागत का 1.5 गुना भाव देने का वादा कर सत्ते में आए और भूलकर अंबानी अडानी के सेवे में व्यस्त हैं, पर हम भूलने नहीं वाले। उपायुक्त छवि रंजन ने ओरमांझी प्रखंड में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण कृषि योजना एवं अन्य विकास योजनाओं का क्षेत्र भ्रमण कर जायजा लिया। भाजपा के सचेतक विरंजी नारायण ने पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक रणधीर सिंह के आवास को जबरन खाली कराए जाने की निंदा की, कहा बदले की कार्रवाई। NDMC विवाद, अमित शाह पर आग बबूला, आप दावा विधायक को उठा ले गई पुलिस। सुब्रत मुखर्जी का बड़ा बयान, बीजेपी चुनाव हार गई तो ममता बनर्जी की हत्या करवा सकती है। सांसद पर हुए हमले की 19वीं बरसी पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। भारत बायोटेक प्रमुख ने कहा, तीसरे चरण के परीक्षण के लिए 8,000 स्वयं सेवकों की हुई भर्ती, सुरक्षित है वैक्सीन। बिहार में अब जमीन के निबंधन कराने के ही दिन मिल जाएगा दाखिल खारिज का दस्तावेज, होगा सुओ म्यूटेशन। रांची प्रेस क्लब में आज दोपहर बाद आर्चरी सेंटर का शुभारंभ किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कश्मीर में बर्फबारी, उत्तरी राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। हम जल्द हाजिर होंगे नए बुलेटिन के